नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है उसके सीरीज़ में हम लोग आज कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी जनरल अवेयरनेस के फैक्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये सारे एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट हैं और ख़ासतौर के अभी जो FCI KGM की वैकेंसी आई है उसमें भी एक कंप्यूटर अवेयरनेस का एक सेक्शन है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द कंप्यूटर्स पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन फिजिकली टच। तो कंप्यूटर का पार्ट जिसको फिजिकली टच कर सकते हैं उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन डेटा को प्रोसेस करता कौन है? कंप्यूटर प्रोसेसर के स्टाइलस। आंसर इज कंप्यूटर। IC चिप्स यूज इन कंप्यूटर्स आर यूजली मेड ऑफ। जो कंप्यूटर में IC चिप होता है, इंटीग्रेटेड चिप्स, उसको किस चीज़ का बना होता है? लीड, सिलिकन, क्रोमियम, गोल्ड। तो मोस्टली सिलिकन का होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 98, BSD, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, XP, रेड हैट, लिनक्स। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP। 1 GB इज अप्रॉक्सीमेटली है, जो GB होता है, जो हमारा डेटा प्लान होता है 1 GB, 2 GB, वो किस कितने बाइट के इक्वल है? तो आपको पता होना चाहिए 1 GB इज इक्वल टू 1000 MB और 1 MB इज इक्वल टू 1000 KB। वहाँ से ये और 1 KB इज इक्वल टू 1000 बाइट। तो वहाँ से ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपको आंसर इस तरह 10^9 3369, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल CD स्पेसिफिकेशंस होल्ड हाउ मेनी मिनट्स। CD में कितना मिनट होता है? तो आंसर है ए, 74 मिनट्स होता है CD में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? माउस, लाइट पेन, कीबोर्ड, वीडियो। इसमें इनपुट डिवाइस कौन नहीं? इनपुट डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम लोग कुछ कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं। माउस से कर सकते हैं, लाइट पेन से कर सकते हैं, कीबोर्ड से कर सकते हैं, लेकिन VDU इससे हम लोग विजुअल आता है इसलिए अंदर जो फीड नहीं कर सकते, इससे आउटपुट है, ये हमारा इनपुट यूनिट नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस क्रिएट्स ए स्मॉलर फाइल दैट इज़ फास्टर टू ट्रांसफ़र ओवर द इंटरनेट। तो अगर बड़े फाइल को हम लोग कहीं सेंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको हम लोग स्मॉल करते हैं कैसे? तो इसको हम लोग कंप्रेस करते हैं। अगर 200-500 MB का फाइल है उसको 50 MB में कर दिया, इसको कंप्रेशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मैनेज डेटाबेस? डेटाबेस किसके थ्रू मैनेज करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, DBMS, नॉन ऑफ द एवर। तो आंसर इज सी, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी? कैच मेमोरी, रैम, रोम, नॉन ऑफ द एवर। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी वो है जो तुरंत गायब हो जाता है, नॉन वोलेटाइल जो थोड़ा परमानेंट हो। तो इसका आंसर होएगा आपको सी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होगा, और ये आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी। तो ये फर्स्ट पार्ट था। हम इस तरह से बहुत सारे पार्ट्स में आपको लाकर इसका जो कंप्यूटर से रिलेटेड अवेयरनेस चीज़ें हैं वो हम लोग आप तक पहुँचाएँगे। और मेरा उम्मीद है इस तरह से कि इस पार्ट से मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन हम तो आएगा ही आएगा इससे। तो आपका कंप्यूटर सेक्शन हम लोग कवर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस कंप्लीट कर रहे हैं, रीजनिंग और भी जो चीज़ें हैं वो भी हम लोग टाइम रहते ही सबको कंप्लीट कर देंगे। आशा ये आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि शेयर और लोग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, व्यूज़ तो आ रहे हैं, तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।